नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। आज सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापू साधक परिवार उड़ीसा का स्नेह मिलन हुआ और काफी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आई थी। तो ऐसा कहीं भी सेवा नहीं मिलता है जो सूरत आश्रम के द्वारा। आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, 25 साल बाद मिल रहा है। उड़ीसा समिति का स्नेह मिलन है, जैसे सूरत की 15 समितियां अपने अलग अलग एरिया में पांडेसरा लिम्बायत तो घोड़ादरा वाराछा कतारगाम अपने अपने एरिया में स्नेह मिलन रखते हैं और अलग अलग जगह पे जाके ये लोग जीवन जरूरी चीज़ें गरीब एरियाओं में जाके भंडारे करते हैं, कपड़े बांटते हैं और भी अनाज वगैरह सब चीज़ों का वितरण करते हैं। और उसके उपलक्ष में सूरत में 22 तारीख को दक्षिण गुजरात की सब समितियां आने वाली हैं और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए धर्म प्रचार की बातें करके और अलग अलग दिशा में प्रचार यात्राओं का कैसे किया जाए उन सब का विवरण करके सब लोगों को लाभ मिले ऐसा करेंगे। पूज्य बापूजी की कृपा से गरीब आदिवासी विस्तार में जाकर के लोक जन कल्याण हेतु ये बैठक हुई थी जिसमें हजारों की संख्या में देख रहे हो आप लोग मतलब शामिल हुए थे। सबका एक ही आह्वान है कि जन जन तक सुसंस्कार का सिंचन, साथ में गरीब पिछड़े वर्गों की उत्थान, उसके लिए अपना तन से मन से धन से जितना हो सके परहित के कार्य में लगना, ये बापूजी के निर्देश को आज्ञा को सिरधार्य करके ये सेवाधारी ऐसे वर्षों में कई बार करते रहे। इस बार दिवाली पे कहाँ जाओगे भक्ति जागृति यात्रा लेके? इस बार दीपावली में उड़ीसा में वो क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर इस समय केवल 20-30% मतलब हिंदू लोग रह गए हैं। कुछ ऐसे एरिया है कि जो 50% हिंदू है, बाकी के सब अन्य विधर्मी लोग भी हो चुके हैं जो हमारे धर्म के नहीं हैं। तो उस एरिया में जाएंगे। क्या करोगे उस एरिया में? उस एरिया में हमारा प्रथम लक्ष्य है कि हमारा संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, उस चीज़ को जीवन में जन जागरण में लाना है। और जो पिछड़ा वर्ग सब साधन होने पर भी विकास की ओर गति नहीं कर पाती, उस गति को कैसे प्राप्त करे उस विषय में भी उनको सचेतना लाएंगे और उनके जीवन में उस पहाड़ी अंचल में रह करके उनके जीवन को कैसे वो विकास करेंगे उस विषय में भी सचेतना करेंगे। नशा मुक्ति अभियान, गरीबों में भंडारा, अनाज वस्त्र आदि वितरण करना, इस तरह का बहुत सारे कार्य करके सत्संग के माध्यम में भी उनके मन को शांति मिले, इस तरह का पवित्र कार्य भी वहाँ करेंगे। आज हमने देखा पूरा पंडाल भर गया था, मतलब बाहर भी काफी भारी संख्या में लोग खड़े थे, बैठने की जगह नहीं थी। तो क्या ये बापू का जादू है कि इतनी भीड़ आती है? इसमें पूछना ही क्या है, बापूजी का जादू है ही है। इसलिए बापूजी अभी 6 साल से हैं, कौन ऐसा इस समय व्यक्ति है कोई नेता के ऊपर ऐसा लग जाए आरोप, दूसरे ही दिन उससे करनी कट जाती सबकी। और ये संत 6 साल से आरोप लग गया है, और कैसा आरोप, और फिर उसमें भी निर्णय कैसा आया, फिर भी साधक लगे हैं तो कुछ तो सच्चाई है, तभी तो लगे हैं। मतलब ये पूरे सूरत की भीड़ थी कि केवल उड़ीसा समिति की भीड़? हमारे उड़ीसा समिति की है, उड़ीसा समिति छोटी सी है, सूरत की बात करो तो यहाँ पर 10 एकड़ जमीन चाहिए। मतलब केवल उड़ीसा समिति? केवल उड़ीसा की समिति है, उसकी इतनी भीड़ है, वो छोटी सी समिति है। आप केसरापल्ली आश्रम संभालते हो, मतलब उड़ीसा में रहते हो, तो बापू को आजीवन कारावास की सजा होने के बाद, बापू 6 सालों से जोधपुर जेल में होने के बाद, भक्तों की संख्या श्रद्धा में कितनी कमी आई? अरे बापू जी की भक्तों की श्रद्धा कमी तो नहीं आई है,
लेकिन जो भक्त नहीं है, बापूजी को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग भी बापूजी को आज भी याद करते हैं, क्योंकि बापूजी की औषधियाँ, बापूजी की सेवा कार्य, इंटीरियर में जाकर गरीबों की जो सेवा है, उस सेवा के सामने सब लोग नतमस्तक है। हम सर्वे करने गए थे, जहाँ पर जाते हुए रास्ता 30 किलोमीटर हम क्रॉस करेंगे, वहाँ एक भी हिंदू गांव नहीं है। उस गांव के अंदर हम जब जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि कोई पहला ऐसा संस्था होगा कि जो इतने इंटीरियर में आकर के इस तरह का सेवा कार्य कर रहे हैं। तो बापूजी के प्रति तो उनका दुगना श्रद्धा है, जितना हमारा साधकों में है उससे कई गुना श्रद्धा है उन लोग की। उन तो बहुत आदर सत्कार पूर्वक बोला कि औभाग्य कि बापूजी की शिष्य लोग यहाँ आ रहे हैं और इस तरह का सेवा कार्य करेंगे। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा लगभग हमारा? कौन सा एरिया रहेगा हमारा? 12 दिन का प्रोग्राम है इस समय, मतलब इस साल 500 किलोमीटर तय करेंगे और आरम्भ होगा रायगढ़ से, रायगढ़ से लेकर के गुणपुर, गुणपुर से उसमें फिर रायगढ़ और गुणपुर के बीच में आदिवासी क्षेत्र आते हैं, पिछला वर्ग घाटी इलाका, वहाँ पर कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए हैं, कुछ हिंदू हैं, तो वहाँ जागृति के लिए वहाँ भंडारा, सत्संग, नशा मुक्ति अभियान और जीवन की उन्नति के लिए जागरण आदि बहुत सारे शिक्षा और आयुर्वेदिक कैंप आदि ये सारे सेवा होगी। और फिर गुणपुर से पार्ला खेमंडी गुम्मा, ये छोटे इंटीरियर एरिया है, ऐसे करते हुए आर उदयगिरी, रामगिरी, महेंद्रगिरी, बहुत सारे ऐसे रास्ता को करते हुए हम लोग फिर अपने आश्रम में लगभग हमारा साथ में 200 से 250 लोग चलेंगे। और वहाँ लोकल लोग तो खूब ही मतलब इतने उत्साह में है कि आएंगे तो वो बोले कि हजारों के साथ में हम आपके साथ रहेंगे, संकीर्तन यात्रा के साथ साथ दूर दूर जा करके सेवा कार्य भी करेंगे। ये सिनेमा मिलन के कार्यक्रम, जैसे कि आप हर जगह की कवरेज ले रहे हैं, उसी सिलसिले में आज ये ओडिशा समिति का सिनेमा मिलन, केवल ओडिशा की समिति और आसपास के भक्त ओडिशा वाले ही यहाँ पर उपस्थित थे और उन्हीं की इतनी भारी संख्या थी यहाँ पर। आप दो, हमने सुना आप भी ओडिशा समिति के साथ 2 सालों से ओडिशा जा रहे हो, तो क्या क्या देवी कार्य, क्या क्या सेवा कार्य होते हैं वहाँ पे? वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी है जहाँ पे पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने को अन्न नहीं है, ऐसी ऐसी जगहों पर हम गए हैं कि जाने मात्र से, देखने मात्र से आंखें छलक पड़ती हैं कि सचमुच इन तक कौन पहुँचेगा, आज इनका कौन ध्यान रखेगा, कौन सी सरकार इनके पास पहुँचेगी। लेकिन सरकार तो कहाँ पहुँचेगी, लेकिन एक संत के हृदय की निकली हुई दुआ, संत के साधकों के सहयोग से ही ये कार्य होते हैं और संत के साधक ही वहाँ पर पहुँचते हैं। आशाराम जी बापू जैसे संत और उनके भक्त वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे गरीबों की देवी कार्य करते हैं। वहां पे अनाज बांटा जाता है, कपड़े बांटे जाते हैं, कंबल बांटे जाते हैं, बर्तन बांटे जाते हैं, दक्षिणाएं दी जाती हैं, भंडारे किए जाते हैं, जीवन उपयोगी वस्तुएं सब वहां पर दी जाती हैं और उनको हरिनाम का जयकारा भी करवाया जाता है। दीपावली के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष हम ओडिशा में जाते हैं सूरत से, और वहाँ ऐसे गरीब जगह पर जाते हैं कि जहाँ कपड़े का ठिकाना नहीं, भोजन की भी तकलीफ है जिनको, और जो भी धर्म की महिमा को जान नहीं पाते हैं, ऐसे जगह पर हम बापूजी के प्यारे साधक 2003 से हम ओडिशा समिति ये सेवा कार्यों में लगे हैं। गुरुजी की कृपा से ये सेवा कार्य हम कर रहे हैं। मैं सूरत से हूँ, मेरा नाम निमेश है, मैं लगातार 2 साल से ओडिशा समिति के साथ सेवा में जाता हूँ। क्या करते हैं लोग वहाँ पे? वहाँ पे भंडारा करते हैं, गरीबी वहाँ पे है, धर्मांतरण है, वहाँ पे कुछ मतलब मैं धर्म जैसा कुछ दिखता नहीं है, वहाँ पे गरीबी इतनी है, मतलब मैं कोई हिंदू संस्कृति जैसा कोई प्रभाव वहाँ पे नहीं है। तो ये लोग क्या हिंदू संस्कृति में उनको लाने की लाते हैं क्या? हाँ, हिंदू संस्कृति में लाते हैं, उनको पुस्तकें देते हैं। हम 2003 से पूरा में जा रहे, वो अगला साल बापू से आज्ञा लिया ना, पहला बार भंडारा किया है हम बापू, हम जानते नहीं भंडारा बारे में क्या हो रहे हैं। मतलब 2003 में आज्ञा, 2003 से विपिन बोला था आप वहाँ जाते हैं गुजरात में, आप उड़ीसा जाए सेवा करो, उड़ीसा में इतना गरीबी है, तुम्हारे गाँव तरफ वहीं सेवा करो। ये बापू से यहाँ मिले, बापू से मिले, बापू बोले क्या करना है, बोला उड़ीसा में जाएंगे हम लोग भंडारे के लिए। बापू बोले कितना दिन किए, हम तो जानते नहीं थे भंडारे क्या होते हैं। बापू से बोल रहे हैं 15 दिन भंडारा, बोले 15 दिन भंडारा करेंगे, 15 दिन ही मिले, हाँ बापू 15 दिन है।
या चलो तुम्हारी भंडारा ऐसे सबसे आगे निकल जैसे होगा तुम्हारा, मैं प्रसाद देते प्रसाद छुपाई रहे बापू दिए हमको प्रसाद, बोला इसको रखने के बराबर ही रख के तुम्हारी कभी कमी नहीं आएगा, भंडारा जब भी करो बापू जैसे बोला था ऐसे चलते। 2003 से लगातार 2003 जेल जाने के बाद बंद नहीं हुए, कभी बंद नहीं, अपना भजन कीर्तन वहाँ फेरी रवि और प्रभात फेरी फिर अपना एकादश को भजन अपना बापू की एक दिन ही बंद नहीं। मेरा नाम पंचानन प्रधान, मैं बापू का शिष्य हूँ और मैं उड़ीसा का साधक हूँ। कितने सालों से जाते हो? मैं हो गया 16 साल हो गया। 16 सालों से इन लोगों के साथ जाते हैं। क्या करते हैं लोग घर में? चावल दे रहा है, कंबल दे रहा है, दाल दे रहा है, सब्जी दे रहा है, नमक दे रहा है, माचिस दे रहा है, पूरा किट बना के देता है, सब सामान इसमें आता है। आज सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार के अंदर आज उड़ीसा समिति का स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ और आज काफी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आई थी। हमने देखा पूरा पंडाल भर गया था, बाहर भी मतलब इतनी भीड़ थी। ये बापू का ही जादू है कि बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बैठे लेकिन भक्तों की श्रद्धा संख्या में कोई कमी नहीं आई। और बिपिन भाई ने उल्लेख किया कि उड़ीसा समिति इस बार 12 दिन का इनका कार्यक्रम रहेगा और गरीबी आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुक्त ऐसे विस्तार है जहाँ 30% ही हिंदू बचे हैं और कहीं कहीं 50% हिंदू है, तो ऐसा ही जगह में बापू के भक्त जाके वहाँ हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का प्रचार करेंगे और जो गरीब भोले भाले आदिवासी हिंदू में से कन्वर्ट होकर ईसाई बने हैं उनको फिर से ये लोग हिंदू धर्म में वापस लाएंगे। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार से, रफ्तार न्यूज़ के साथ टीवी टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।